जी मेंस का जेईई की एग्जाम तैयारी दे। में बिहार के बच्चों का अगर इतना आप हेल्प करने के लिए तैयार हैं, जरूर आपका मेहनत रंग लाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, थैंक कॉन्ग्रेचुलेशंस। नमस्ते सर। यू। कैसे नमस्ते। हैं आप? अच्छा बहुत ही खुशी की बात है। मैं भी पटना, मैं भी बिहार से ही हूँ। मेरी पढ़ाई पूर्णिया से हुई थी, तो मानसी स्टेशन के पास से गुजर के पटना से पूर्णिया जाता था। मैं विद्या विहार स्कूल में पढ़ता था, तो काफी बार आपके गांव के आसपास से गुजरा हूँ। बिल्कुल, यहाँ घर पे के भी सामने इतने अच्छे से पढ़, शादी की। बिल्कुल घर के सामने है ना, NH 31। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा स्कोर किया बेटा आपने। और मतलब लड़कियों के साइंस में मतलब इतना अच्छा लगता है सुन के कि बिहार से भी फाइनली लड़कियां साइंस ले रही हैं। अभी मैं ओवरऑल नंबर देख रहा था तो ज्यादा लड़कियां आर्ट्स में थी और लड़के साइंस में थे ज्यादा। बट फाइनली आयुषी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, अगले साल हमें और लड़कियां देखनी है साइंस में। ये तनुश्री मैम है, ये भी IIT गई थी, मेरी वाइफ है मेरी और आउटनेट की को फाउंडर है। तो भी शुरुआती पढ़ाई उस समय के हिसाब से बिहार में ही हुई थी, बोकारो में हुई थी, तो हम लोग का भी बिहार से नाता था ही। देख के आयुषी जी बहुत ही बेटा बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि आपने इतना अच्छे से क्रैक मचाया और सारे अपने साधन यूज किए, ऑनलाइन ऑफलाइन, और मतलब क्लास 10th में भी आप 10th रैंक थे और क्लास 9th रैंक थे, 9th रैंक थे और क्लास 12th में 1st रैंक पे आ गए। हम एक्चुअली आपको अपने ऑफिस बुलाना चाहेंगे, दिल्ली बुलाना चाहेंगे, आपके माता पिता के साथ। आप अभी आप अपने आगे की तैयारी में लगेंगी, उससे पहले हम चाहते हैं कि जब भी आपको समय हो आप एक बार दिल्ली आए और हम अपने ऑफिस में बाकी लोगों से मिलाना चाहेंगे आपको कि और बेटा क्या हम प्लान कर रहे हैं अभी आप 12th के बाद क्या करना चाह रही हो? जेई UPSC की की तैयारी, तैयारी, जेई मेंस का जेई की एग्जाम तैयारी, दे। नहीं जेई दिए नहीं मेंस है, का बिल्कुल स्टार्ट किए। अभी स्टार्ट किया हो तो अच्छे से करना बेटा। जेई मेंस का तो अभी कुछ तैयारी की है उसके लिए कि करोगे करने करने वाले अभी तो वाले? सोचे, बस ये है कि करना है। तो बेटा अगर आपको ऐसा लगता है कि जेई के लिए अगला 1 महीना इम्पोर्टेंट है तो ना अभी एक अभी है ना, करीब करीब 1 महीना है बेटा आपके पास। तो अगर अपने पापा से बात कराना कि अगर ऐसा लगता है तो 15-20 दिन यहाँ पे एकदम जम के तैयारी करा देते हैं कि जेई मेंस का इस बार का परसेंटाइल भी अच्छा आ जाए। ठीक ठीक है, अगर लगता है कि यहाँ के भी हम यहाँ पे सारा इंतजाम कर देंगे आपका रहने का, खाने का और पढ़ाई का पूरा मतलब तगड़ा इंतजाम। आपका एप्टीट्यूड पहले ही बहुत अच्छा है, बिहार बोर्ड में 90% 95% लेकर आना कोई मामूली बात तो है नहीं, मेरे भी नहीं आते है ना। तो बहुत बढ़िया, मतलब आप ऑलरेडी इतने अच्छे बच्चे हैं तो जेई तो क्रैक मार देंगे आप आराम से, बिल्कुल आराम। और घर में कौन कौन है बेटा आपके? मम्मी पापा भाई दादा अपना दादी। आप अकेले अकेले भाई बहन है? हाँ अकेले बहन है, दो भाई है। अरे भाई लोग बड़े छोटे छोटे भाई? भाई बड़े हैं छोटे? छोटे हैं। दोनों छोटे, चलो उनको भी आशीर्वाद है और आपको देख के वो भी अच्छा करेंगे। मैं भी अपनी बड़ी बहन को देख के आगे बढ़ा था, मुझसे 8 साल बड़ी है तो वो अच्छा की थी तो वो फर्स्ट आती थी क्लास में, तो हम लोगों को भी लगता था पढ़ लेंगे। तो आपको देख देख के मेरे ख्याल से आपके आपके घर में आपके घर घर के आसपास के लोग सब अच्छा करेंगे। बहुत बढ़िया, अपने पापा से एक बार बात कराना। आपके ये अंकल जी, पापा, जी अंकल हार्दिक बधाई सर, हार्दिक बधाई। ये तो आपने कमाल कर दिया, कमाल। मतलब धन्यवाद सर। बहुत दिनों बाद इतना अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है कि मतलब आपकी सोच इतने आगे की रही कि आपने बेटी को पूरा साइंस वाइंस में डाल के इतने अच्छे से पढ़ने का मौका दिया। तो सर मैं यही ये बोल रहा सब था, अगर इसको जेई करने का मन है और हम किसी तरह से हेल्प कर सकते हैं जेई करने में, तो आप एक बार जब भी फ्री हो तो फोन कीजिएगा तनुश्री या मुझे किसी को भी, तो हम एक बार देख लेते हैं कि इस बार वाले अटेम्प्ट में भी
हम क्या बेस्ट आयुषी आ के लिए जाएगा उसका, तैयारी। बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा जेई में, बिट्स में बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा उसका। अगर जी जी मतलब हम लोग, अगर आप यहाँ आके यहाँ पे रह के 1 महीना हमारे बेस्ट टीचर्स से तैयारी करना चाहते हैं, तो वो भी हम लोग एकदम फैसिलिटेट कर देंगे। बिकॉज हमें पता है कि आयुषी का अगर अभी भी 1 महीना लग के करेगी तो बहुत आईआईटी अच्छा। निकल सकते हैं हाँ और आईआईटी से जिंदगी तो बदल जाएगी और जी बेहतर हो जी जाएगा। ऑलरेडी इतने अच्छे पाथ पर है, तो अगर मौका है आपको लगता है आप फ्री हो जाइए, अभी खूब सारे नंबर बधाई ले देने वाले लिया लोग मैंने हैं दीपक सर का, होगा। हाँ मेरा दीपक भी सर का नंबर ले मैंने लीजिएगा नंबर ले उससे। लिया हाँ है। कुछ भी ऐसा अगर हमको महसूस होगा कि आपकी जरूरत का, तो हम जरूर। जी आप बिल्कुल फोन कर लीजिएगा सर, हम दोनों आईआईटीएन जी हैं जी तभी जो हमें, और हमें बहुत मन है कि हम बिहार के बच्चों को पढ़ाएं और किसी तरह से उनका मतलब जिंदगी जितना अच्छा कर सकते हैं अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल बिल्कुल सर, बेझिझक आपके आप फोन कीजिएगा। बिहार के बच्चों को अगर इतना आप हेल्प करने के लिए तैयार हैं, जरूर आपका मेहनत रंग लाएगा। बिल्कुल सर बिल्कुल, आप बताइएगा जी जी बस, आपसे तो पुराना नाता है, आपके घर के बगल से गुजर के गुजरा हूं मैं 5 4 5 साल, मेरी बहुत आपसे पहले की बात गुजारिश है होगी कि उसके। अगर बिल्कुल आप इधर नेक्स्ट टाइम अगर इधर से आप अगर आए तो एक बार सर, हम पधारें यहाँ। अपने स्कूल आएंगे तो आपसे मिलते हुए जाएंगे सर, जी मेरा बिल्कुल स्कूल आपके यहाँ से पास में ही है एकदम, तो आपसे मिलते हुए जाएंगे सर। जी जी सर। ठीक नहीं और सर हम फिर से बोलेंगे कि मतलब मैं आईआईटी गई थी और मुझे ऐसे लगता है कि आईआईटी जाने से मेरी जिंदगी एकदम चेंज हो गई। तो अगर हम अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हो, आयुषी मुझे पता है कि बहुत इंटेलिजेंट है, अगर हम अपनी तरफ से कुछ भी कर सकते हैं तो हम करना चाहेंगे सर। कुछ भी जी चाहिए। जी जी वैसा अगर होगा तो हम दीपक सर से मार्फत आपसे बात कर लेंगे। बिल्कुल और आपको सर, इनवाइट कर, मुझे आपको दिल्ली इधर का जो हम स्वीकार करते हैं आपके निमंत्रण को। थैंक यू सर, नमस्ते ठीक ठीक थैंक यू। जी नमस्ते सर, नमस्ते, और बहुत बधाई हो सर, बहुत बहुत बधाई, बधाई हो। जी थैंक यू। बाय आयुष बेटा, बाय।